नमस्कार, स्वागत है आपका माय हेल्थ चीप में और मैं हूं आपका चीप परिचित दोस्त प्रदीप कुमार। आज तक आपने पपीता खाने के तमाम फायदे सुने होंगे, पर क्या आपने पपीते के पत्तों के जूस के बारे में कभी सुना है या कभी पिया है? अगर पिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज से पीना शुरू कर दे, क्योंकि यह हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नियमित तौर पर इसको पीने से आप कई बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदे के बारे में। खून की कमी। पपीते का जूस किसी औषधि से कम नहीं है। आयुर्वेद में भी इसके कई फायदे बताए गए हैं। अगर किसी की ब्लड प्लेटलेट्स कम हो रही हो तो उसके लिए ये रामबाण इलाज है। इसके लिए उन्हें बस रोजाना पपीते के पत्ते के जूस को 10 ml लगभग 3 महीने तक पीना होगा। डेंगू में वरदान। डेंगू और मलेरिया के पेशेंट्स के लिए पपीते के पत्ते किसी वरदान से कम नहीं है। अगर किसी को डेंगू या मलेरिया हुआ हो तो इसके लिए भी पपीते के पत्ते का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है। यह बुखार में लगातार गिर रही प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के साथ साथ शरीर में कमजोरी को बढ़ने से रोकता है, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोके। कैंसर के पेशेंट्स को पपीते के पत्ते का रस जरूर पीना चाहिए। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कैंसर के सेल्स को बनने से रोकते हैं। इसके अलावा यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। पीरियड्स के दर्द को करे दो। कुछ लड़कियों और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होता है। पपीते के पत्ते आपको इससे भी निजात दिलाने में मदद करते हैं। इसके लिए पपीते के पत्ते को इमली, नमक और 1 ग्लास पानी के साथ मिलाकर काढ़ा बना लें। जब यह थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब इसे पिए, आपको अवश्य आराम होगा। इन्फेक्शन को रखे दूर। पपीते के पत्ते का जूस आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी बेहतर है। इसके जूस को रोजाना पीने से शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है। इसके अलावा यह खून में व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। लीवर, किडनी और हार्ट को रखे स्वस्थ। पपीते के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने और लीवर, किडनी और हार्ट को सही रखने में सहायक होते हैं। साथ ही हमारे हार्ट को भी स्वस्थ बनाए रखता है। मोटापा दूर करने में। अगर आपका वजन काफ़ी ज़्यादा है और आप अपने वजन को घटाना चाहते हैं तो अपने डाइट में पके पपीतों को जरूर शामिल करें। सिर्फ 10 दिनों तक लगातार पके पपीते खाने से आपको अपने शरीर में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। त्वचा रोग। सभी त्वचा रोग में पपीते का रस, गाजर का रस और आधी मात्रा में पालक का रस मिलाकर दिन में 2 बार पीने से त्वचा रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक के बटन को अवश्य दबा दें एवं सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।